हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्लास 11 फिजिक्स हिंदी मीडियम का आगे का चैप्टर। आपने हमारे पिछले वीडियो में सरल रेखा में गति देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आपको मेरा सजेशन है कि आप सबसे पहले सरल रेखा में गति देखिए। जो हम यांत्रिकी का जो पोर्शन होता है 11th क्लास में, उसका शुरुआत हो जाता है सरल रेखीय गति से, जहाँ पर हम गति, चल, त्वरण, विस्थापन, ये सब का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। तो वो सब वीडियो आपको देखने पहले जरूरी हैं। यदि आपने वो सब अच्छे से तैयार कर लिया है तो हम आगे कंटिन्यू होते हैं और आज हम पढ़ेंगे समतल में गति। समतल में गति क्या होता है, देखिए। समतल में गति जो हमारा चैप्टर है, एक्चुअल में ये जो चैप्टर है समतल में गति, ये द्विविमी गति है। आज मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा कि एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति क्या होता है। इस चैप्टर में हमको सदिश का कॉन्सेप्ट, वेक्टर का कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। और मैंने आपको अपने कई वीडियो में बताया है, या आपने ध्यान नहीं भी दिया होगा, तो आज मैं स्पेशली ये चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको ये बता दूँ कि 10th क्लास के बाद जब हम 11th क्लास में आते हैं और फिजिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो हमारे पास टू स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स आते हैं, बायो स्ट्रीम के भी और मैथमेटिक्स स्ट्रीम के भी। और जब हम फिजिक्स में एंट्री करते हैं शुरुआत से ही, तो आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में हमको समाकलन की ज़रूरत पड़ गया। तो कहीं पर भी हमको समाकलन, सदिश, ये सब गणित का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम 10th क्लास तक गणित में नहीं पढ़े होते। इसीलिए जब मैंने 11th क्लास का वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने गणितीय अवधारणा, जिसको मैंने नाम दिया है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, टूल्स माने औजार। गणित एक टूल्स की तरह, एक औजार की तरह काम करता है फिजिक्स को समझने के लिए। जैसे हमको किसी मशीन को रिपेयर करना है तो उसके लिए हमको औजार चाहिए, टूल्स चाहिए। उसी तरह यदि हमको फिजिक्स को समझना है तो उसके लिए हमको मैथमेटिक्स रूपी टूल्स चाहिए। तो ये हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वन बाय वन, आप मेरे पास 6 वीडियो हैं, वो वन बाय वन आप सबको देखिए। और आज के चैप्टर में मेरे को उसके वेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, तो मेरा आपको पढ़ाने से पहले एक सजेशन है कि आप या तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, और नहीं तो आप सबसे पहले वेक्टर को रिवाइज करिए। देखिए, समतल में गति वास्तव में द्विविमी गति है, ये टू डायमेंशन मोशन है। अब अभी मैं आपको समझा दूं कि टू डायमेंशन मोशन होता क्या है। इससे पहले, चूंकि आप लोगों में से कई लोग अभी सदिश वाला वो टॉपिक मेरा नहीं पढ़े होंगे, तो मैं थोड़ा उस पोर्शन को आपको रिवाइज कराता हूं। देखिए क्या है, हम पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो 3 डायमेंशन में एक्सप्लेन होता है। ये सपोज हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा सपोज वाई एक्सिस है, और ये हमारा सपोज जेड एक्सिस है। क्लियर। अब यहाँ पर सपोज हमारे पास इस स्पेस में, इस ब्रह्मांड में सपोज ये कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P का निर्देशांक है एक्स वाई जेड। निर्देशांक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, किसी बिंदु विशेष को निर्देशित करने वाला या प्रदर्शित करने वाला अंक। जब हम ग्राफ पेपर में ड्रा करते हैं, आपने ग्राफ बनाया होगा, तो जैसे आपको कोई बिंदु दे दिया जाए 3, 2, तो आप ग्राफ पेपर में 3, 2 के पॉइंट को खोज लेते हो। दैट मीन्स वो 3, 2 बताता है कि मैं ग्राफ में, ग्राफ मीन्स स्पेस में, मैं कहाँ पर होऊंगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 3 डायमेंशन में 3 विमाओं की सहायता से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स निर्देशांक है, वाई निर्देशांक है, जेड निर्देशांक है। यदि हम इसको इस बिंदु से जोड़ दें तो इसका स्थिति सदिश आर कहलाता है। आर यहाँ पर इसका स्थिति सदिश है, और आर के मान को हम यहाँ पर सदिश रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, एक्स अक्ष का जो एकक सदिश होता है उसको हम आई कैप कहते हैं, वाई अक्ष के एकक सदिश को जे कैप कहते हैं, और जेड अक्ष के एकक सदिश को के कैप कहते हैं। ये सब मुझे अभी आपको समतल में गति पढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसको आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो R है, R इक्वल
हम इसको सदिश रूप में लिखें तो x अक्ष के साथ x अक्ष के एकक सदिश का गुणा होता है, तो ये हो जाएगा x i कैप प्लस y के साथ में इसका गुणा होगा तो y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर। अब यदि हम इसको मापांक लिखें इसका, जिसको हम कहते हैं mod of r, मतलब r का मापांक, तो वो निकालने का फार्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फार्मूला आप ध्यान में रखना। यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड अक्ष है वह किसी बिंदु का तीनों अक्षों के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करता है, मतलब उस पॉइंट की आइडेंटिटी है, वो उस पॉइंट का पहचान है कि वह बिंदु कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो सपोज मेरा ये मार्कर मैं इस क्लासरूम में यहाँ पर रखा हूँ। अब मेरे को इसको डिफाइन करना है कि मेरा यह मार्कर इस कमरे में कहाँ पर है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं यदि बता दूँ कि इसका इस दीवार से दूरी 3 मीटर है और इसका इस फ्लोर से, मतलब नीचे की सतह से 4 मीटर है और इधर मेरे दाईं ओर जो दीवार से 5 मीटर है, तो आप इस पेन को इस कमरे में खोज सकते हैं। दैट मीन्स इसने तीनों अक्ष के सापेक्ष अपनी दूरी बता के अपनी आइडेंटिटी बता दी कि मैं इस कमरे में कहाँ पर हूँ। क्लियर। तो इस तरह से हम निर्देशांकों की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी पॉइंट का हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको कि वो कहाँ पर है। ये होता है डायमेंशन विमा, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन। अब हम यदि गति के बारे में बात करें तो वास्तव में गति को भी हम गति को 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें पहला है 1 मिमी गति, जो हम पढ़ चुके हैं। 1 मिमी गति जो वास्तव में हम सरल रेखा में गति पढ़े, पीछे जो हमारा चैप्टर आपने पढ़ा सरल रेखा में गति, वही 1 मिमी गति था। इसको हम इंग्लिश में 1 डायमेंशन बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं 1D मोशन। डायमेंशन मतलब विमा। दूसरा होता है द्विविमी गति, द्विविमी गति जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे 2 डायमेंशन मोशन। और तीसरा त्रिविमी गति, त्रिविमी गति 3 डायमेंशन मोशन। अब यहां पर हम देखें कि 1 विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति का मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है कि कब पिंड 1 विमी गति में कहलाता है, जब कब पिंड 2 विमी में, कब पिंड 3 विमी गति में कहलाता है। तो यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि उस पिंड की विमा कितनी है, कि पिंड 1 विमी है, 1 विमी पिंड किसको कहेंगे हम, जिसमें सिर्फ लंबाई है। सपोज मेरे पास एक तार है, एक धागा है, तो उसको मैं 1 विमी कहूंगा क्योंकि उसकी सिर्फ लंबाई है। लेकिन सपोज मेरे बुक का कोई एक पेज है, एक सिंगल पेज, वो 2 विमी होगा क्योंकि उस पेज की लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो 2 विमी वो आकृति हो गया। अब पूरे बुक पर बात करूं, पूरे पुस्तक पर बात करूं, तो 3 विमी है क्योंकि उस पुस्तक की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और उसकी मोटाई भी है। तो वस्तु की विमा को हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसका मतलब गति से नहीं है, गति का मतलब उस वस्तु की विमा से नहीं है। तो किससे मतलब है, उसका मतलब है कि वह गतिशील पिंड अपनी स्थिति को कितनी विमाओं के सापेक्ष परिवर्तित कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई पिंड, मैं यहाँ पर एक आपको अच्छा एग्जाम्पल दे दूँ कि मैं अपने इस मार्कर को यहाँ पर स्थिर अवस्था में रखा हूँ। अब मैंने इसको गति कराया, तो गति मैं इसको इस प्रकार से कराया, देखिए ये मार्कर मेरा 3 डायमेंशन है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब है, तीनों है, लेकिन ये अभी गति कर रहा है इस प्रकार से, मतलब ये मेरे इस तरफ के दीवार के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रहा है, लेकिन जमीन के सापेक्ष और इस बोर्ड के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है क्योंकि ये सीधा जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, इधर से भी दूरी नहीं बदल रहा है, आप समझ रहे होंगे, केवल इसके सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रहा है। मतलब यदि कोई पिंड अपनी स्थिति में तीनों में से किसी एक अक्ष के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करे तब उसकी गति को हम क्या कहते हैं, 1 विमी गति या सरल रेखी गति कहते हैं। क्लियर। अब देखो द्विविमी गति, 2 डायमेंशन मोशन। अब आप समझ गए होंगे कि यदि कोई पिंड इस प्रकार से गति करे
कि उसका जो पोजीशन है वो किन्हीं दो विमाओं के सापेक्ष परिवर्तित हो। जैसे अब मैं इस मार्कर को आगे ले जाने के साथ साथ ऊपर भी ले जा रहा हूँ, सपोज मैं इसको ऐसा गति कर रहा हूँ, आप इमेजिन कर पा रहे हैं? तो उस कंडीशन में आप देखो इसके सापेक्ष तो अपनी स्थिति बदल ही रहा है ये, और ये जमीन से भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके सापेक्ष अभी अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, तब हम इसकी गति को द्वयुग्मी गति कहेंगे। दैट मीन्स यदि कोई पिंड अपनी स्थिति को किन्हीं दो विमाओं, मान लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रहा हो तो उसको द्वयुग्मी गति कहेंगे, और मान लो पिंड तीनों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, मतलब उसका एक्स निर्देशांक भी बदल रहा है, वाई निर्देशांक भी बदल रहा है और जेड निर्देशांक भी बदल रहा है, यदि तीनों बदल रहे हैं तो त्रियुग्मी गति कहलाएगा। जैसे अब इस मार्कर को मैं ऐसे गति कराने लगा, इसकी दिशा देखिए इस तरह से, तो ये जमीन से ऊपर जा रहा है, इस बोर्ड से भी दूर जा रहा है, इस दीवार से भी दूर जा रहा है, मतलब अपने पोजीशन को तीनों के सापेक्ष बदल रहा है, तब हम उसकी गति को क्या कहेंगे? त्रिविमी गति कहेंगे। और इसको हमको यदि प्रदर्शित करना हो सदिश रूप में तो एक विमी गति को हम कैसा लिखेंगे? आर इक्वल टू एक्स आई कैप, क्योंकि इसमें वाई और जेड जीरो हो गए, इसको प्रदर्शित करेंगे तो आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा प्रदर्शित करेंगे क्योंकि इसमें दो विमा है, और त्रिविमी में प्रदर्शित करेंगे तो आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस रूप में इसको हम प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब जितनी विमा उतने उसमें निर्देशांक होंगे, एक विमी तो एक निर्देशांक, द्विविमी तो दो निर्देशांक, और त्रिविमी तो तीन निर्देशांक। इस प्रकार से हम गति को तीन प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितने तरह से पिंड गति करता है। क्लियर? अब हमारा जो चैप्टर है, जो हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समतल में गति, वो क्या है? एक्चुअल में द्विविमी गति है। हम एक विमी गति इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो ये 11वीं क्लास में हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में है, और आज हम समतल में गति पढ़ेंगे जो एक्चुअल में क्या है? टू डायमेंशन मोशन है। मतलब हम यहाँ पर सभी गति को टू डायमेंशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं कि सदिश रूप में हम उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए, यहाँ पर आज का जो मेरा लेक्चर है वो इस बात पर बेस्ड है कि हम सदिशों को किस प्रकार से वियोजित करते हैं टू डायमेंशन में। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सदिश निरूपण या सदिश वियोजन। सदिश वियोजन टू डायमेंशन मोशन में हम सदिश वियोजन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके के लिए कि हम इसके पोजीशन को, इसके स्थिति को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? तो ये है R, सदिश R, और ब्रैकेट में लिख दिया मैं T। RT का मतलब होता है T टाइम पर किसी पिंड की स्थिति, मतलब ब्रैकेट में उसके समय को लिखा जाता है। तो RT, ये हम इसको द्विविमा में x और y के फॉर्म में हम वियोजित करें तो क्या लिखेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे एक्स टी, और इसके साथ गुणा होगा आई कैप का। अभी मैं बताया कि x के साथ में आई कैप का गुणा होता है। ये आई कैप क्या है? x अक्ष का एकक सदिश, यूनिट वेक्टर, और प्लस ये हो जाएगा वाई टी, ये j कैप, y के साथ j का गुणा होगा। क्लियर? इसी तरह से मैं लिख दूं यदि आर नाट, आर नाट मतलब प्रारंभिक स्थिति, यह टी समय बाद की स्थिति है, कभी भी ब्रैकेट में नॉट जीरो लिखने का मतलब है कि शून्य समय में उसकी स्थिति। तो आर नॉट इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ये हो जाएगा। अब यदि हमको इसमें विस्थापन इसका बताना है, विस्थापन सदिश बताना है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो देयर फॉर आर टी माइनस आर नॉट, ये हो जाएगा विस्थापन, अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। तब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो i के साथ i को, j के साथ j को, तो इसमें से इसको घटा के i को कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा एक्स टी माइनस एक्स नॉट, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा i कैप, और प्लस यहां पर हो जाएगा
इसमें से वाई टी माइनस वाई नाट और ये जे कैप। तो ये जो मैं यहाँ पर फार्मूला लिखा हूँ एक्चुअल में ये क्या है, स्थिति सदिश को बताने वाला ये घटक है या वियोजन है जो हम वन डायमेंशन को टू डायमेंशन में एक्स के फॉर्म में और वाई के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वियोजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसको इसी प्रकार से यदि हम वेग को प्रदर्शित करना चाहें तो वेग को भी हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो वेग यदि हम लिखें वी टी, टी समय में वेग, तो इसका दो सदिश वियोजन क्या क्या हो जाएगा, एक एक्स अक्ष के लिए तो वी एक्स टी और इसके साथ आई कैप का गुणा हो जाएगा प्लस वाई एक्स के लिए वी वाई टी जे कैप। ये टी समय पर वेग हो गया। यदि हमको प्रारंभिक वेग लिखना है, ये तो अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग लिखना है तो वी नाट, ये प्रारंभिक वेग है ये अंतिम वेग है। ये संकेतों को आप समझिए क्योंकि यदि हम वेक्टर के फॉर्म में संकेतों को नहीं समझेंगे तो आगे हमको न्यूमेरिकल्स में और फार्मूला डेरिवेशन में प्रॉब्लम आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स नाट आई कैप प्लस वी वाई नाट जे कैप। और यहाँ पर यदि हम वेग परिवर्तन निकालना चाहें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वी टी माइनस वी नाट इक्वल, इसमें से ये माइनस होगा जैसे अभी मैंने किया है, तो वी एक्स टी माइनस वी एक्स नाट ये हो जाएगा आई कैप और प्लस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई टी माइनस वी वाई नाट ये जे कैप। इस प्रकार हम वेग को लिख सकते हैं। और सिमिलरली इसी प्रकार से यदि हम क्या लिखना चाहें, त्वरण लिखना चाहें, तो त्वरण लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए टी त्वरण, टी टाइम में त्वरण, तो ये हो जाएगा ए एक्स टी आई कैप प्लस ए वाई टी जे कैप। और यहाँ पर इसको शून्य समय के लिखूं तो ये जीरो इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स जीरो आई कैप प्लस ए वाई नाट जे कैप। और इसलिए यदि हम त्वरण में परिवर्तन निकालना चाहें तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वेक्टर ए टी माइनस वेक्टर ए नाट इक्वल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए एक्स टी माइनस ए एक्स नाट बाहर अपन करेंगे क्या आई कैप। उसी प्रकार से ये हो जाएगा ए वाई टी माइनस ए वाई नाट और ये जे कैप, ये त्वरण के लिए। तो यहाँ पर हमने कोई ऐसा फार्मूला डिराइव नहीं किया, आप इतने बड़े बड़े संबंध को देख के कोई सूत्र स्थापित हो रहा है ऐसा मत समझिए। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि हम स्थिति को मतलब विस्थापन को वेग को त्वरण को जो पहले सरल रेखीय गति में पढ़े थे अपन सीधा सीधा पढ़े थे कि विस्थापन क्या है वेग क्या है, उसको हम क्या है यहाँ पर एक्स और वाई के फॉर्म में वियोजित कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे उसको टू डायमेंशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ये है इसका सदिश वियोजन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि गति के समीकरण वगैरह हम जो पढ़े थे सरल रेखा में उसको हम यदि टू डायमेंशन में लिखना चाहें तो किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लिखेंगे वेग का सदिश निरूपण या वेग का वियोजन, जैसा भी कह सकते हैं अपन, सदिश निरूपण ही वियोजन है उसका। तो सबसे पहले हम वेग का निकालेंगे, फिर त्वरण का, और लास्ट में हम निकालेंगे विस्थापन का। तो इनों को बारी बारी से हम सदिश रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले वेग का सदिश या टू डायमेंशन वियोजन, वियोजित करना, उसको भाग में बांटना किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यह वेग का फार्मूला हम लगाते हैं सीधा, तो वेग बराबर होता है स्थिति परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन की दर। तो स्थिति परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति बटे समय, क्लियर। दैट इंप्लाइज, अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें कि हो जाएगा आर टी माइनस आर नाट इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो वी इंटू टी।
दैट इंप्लाइज, अब हम इसको एक्स वाई के फॉर्म में तोड़ लें क्योंकि हम उसका वियोजन कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप, ये हो जाएगा आर का वैल्यू, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से वेग को भी यदि हम बांट लें तो वेग को लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और ब्रैकेट के बाहर टी। अब यहाँ पर आप देखो कि हम आई कैप और जे कैप को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये जो आई कैप है और ये जो आई कैप है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, और ये जो जे कैप है उसको इस जे कैप के साथ एक साथ लिख लेते हैं। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज यहाँ से आप देखो एक्स टी ब्रैकेट माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स नॉट और यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्या आई कैप, और प्लस इसी प्रकार से वाई के लिए हो जाएगा वाई टी माइनस वाई नॉट और ब्रैकेट के बाहर जे कैप। अब हम टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वी एक्स इंटू टी आई कैप प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा वी वाई इंटू टी जे कैप। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, आई कैप और जे कैप के गुणांकों की तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर आई कैप का गुणांक ये है और राइट साइड में आई कैप का गुणांक ये है, तो लेफ्ट साइड में आई कैप का गुणांक राइट साइड के आई कैप के गुणांक के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से जे कैप का गुणांक ये है और जे कैप का गुणांक राइट साइड में ये है। तो अब अगले लाइन में हम लिखेंगे आई कैप तथा जे कैप के गुणांकों की तुलना, करने पर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में देखिए वी एक्स टी माइनस एक्स नॉट एक्स नॉट और राइट साइड में क्या है वी एक्स इंटू टी। माने वास्तव में क्या है इसको आप देखो ध्यान से, ये जो रिलेशन निकला है पहले उसका भी लिख लूं मैं, तथा वाई टी माइनस वाई नॉट इक्वल टू वी वाई इंटू टी। ये दो जो रूप आपको दिख रहा है फार्मूला का, ये वास्तव में क्या है, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ये एक्स अक्ष के लिए है और ये क्या है वाई अक्ष के लिए है। देखिए ये पूरा सूत्र एक्स अक्ष के लिए बन गया, एक्स अक्ष का विस्थापन क्यों, अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति बराबर एक्स अक्ष का वेग गुणित समय, क्योंकि हम लिख सकते हैं विस्थापन बराबर वेग गुणित समय, या ट्रांसफर करें तो टी को नीचे कर दें तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मतलब एक ही फार्मूला को कई फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से ये क्या है वाई एक्सिस के लिए है, वाई टी माइनस वाई नॉट माने वाई अक्ष के लिए विस्थापन इक्वल टू वाई अक्ष का वेग गुणित समय। तो हम यहाँ पर वेग का सदिश वियोजन इस प्रकार से कर सकते हैं। सिमिलरली हम बिल्कुल इसी तरह से त्वरण का भी कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम काम है, बस उसमें त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्वरण के लिए हम अब उसको लिखते हैं, देखिए काम बिल्कुल वैसा ही है, बस हम स्टार्टिंग से अब किसका फार्मूला लगा देंगे त्वरण का। देखिए टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस केयरफुली आपको इसमें लिखना है कि किसका घटक कौन किस तरह से होगा। तो ये सेकंड है त्वरण का वियोजन, तो त्वरण का अपन फार्मूला लिखेंगे ए बराबर वी टी माइनस वी नॉट अपान टी, कैसे हुआ वेग परिवर्तन की दर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय, दैट इंप्लाइज उसी तरह टी को इधर ट्रांसफर कर लें तो वी टी माइनस वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू टी। दैट इंप्लाइज अब इसको हम क्या करेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये वी एक्स टी प्लस वी वाई टी, वी एक्स टी आई कैप प्लस वी वाई टी जे कैप,
ये हो जाएगा इसका वियोजन, और माइनस ये हो जाएगा वी एक्स नॉट आई कैप प्लस वी वाई नॉट जे कैप, ये हो जाएगा। और त्वरण को हम किस रूप में लिख सकते हैं, त्वरण को भी उस रूप में लिखें तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ब्रैकेट के बाहर इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार से जैसे भी हमने आई कैप को सेपरेट किया था पहले, यहाँ पर कर लेते हैं तो हो जाएगा वी एक्स टी माइनस ये हो जाएगा वी एक्स नॉट ब्रैकेट के बाहर आई कैप प्लस ये हो जाएगा वी वाई टी माइनस वी वाई नॉट जे कैप और इक्वल यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ए एक्स इंटू टी आई कैप प्लस ए वाई इंटू टी जे कैप, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो ये आई कैप का कोफिशियंट हो गया और यहाँ पर आई कैप का कोफिशियंट ये हो गया, यहाँ पर जे कैप का कोफिशियंट ये हो गया, यहाँ पर जे कैप का कोफिशियंट ये हो गया। अब दोनों साइड से हम इसकी तुलना कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी हम किए थे, इसलिए आई कैप तथा जे कैप के गुणांकों की तुलना, के गुणांकों की तुलना, इसकी तुलना कर दें तो यहां से क्या मिलेगा अपने को, वी एक्स टी माइनस वी एक्स नॉट इक्वल टू ए एक्स इंटू टी। ये जो फार्मूला मिलेगा वो एक्स एक्सिस के लिए मिलेगा, वेग परिवर्तन बराबर त्वरण गुणित समय, तथा हम इसको लिख सकते हैं वाई एक्सिस के लिए वी वाई टी माइनस वी वाई नॉट इक्वल टू ए वाई इंटू टी। तो ये जो तो फार्मूला निकला है ये आप समझ गए हैं किसके लिए है, ये एक्स एक्सिस के लिए है, बिल्कुल अभी बनाए थे उसका क्या है कॉपी है, और ये वाई एक्स के लिए है। मतलब हमारे पास जो त्वरण का फार्मूला था इस फार्मूला को हमने दो भाग में बांट दिया, एक्स अक्ष के लिए अलग और वाई एक्स के लिए अलग, यही कहलाता है क्या है त्वरण का सदिश वियोजन। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको आई जे के फॉर्म में लिखना है। देखिए ये जो फार्मूला निकल रहा है ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, निरूपण है। निरूपण का मतलब उसको दूसरे फॉर्म में लिखना आना चाहिए, लेकिन हम इसकी स्टडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर क्यों पढ़ा जा रहा है उसको, क्योंकि ये नहीं जानोगे तब तक आप इसके मेन टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे, और ये बहुत जगह आपको काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। चलिए अब हम इसके थर्ड पोर्शन को एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, वो है विस्थापन, विस्थापन का सदिश वियोजन। तो विस्थापन के सदिश वियोजन को मैं बहुत आसान तरीके से, बुक्स में तो राइटर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में कई लोग लिखे हैं इसको, विस्थापन थर्ड, विस्थापन का सदिश वियोजन। विस्थापन के सदिश वियोजन के लिए हम विस्थापन का सूत्र जो गति का द्वितीय समीकरण है यूज करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉइन टू ए टी स्क्वायर। इस फार्मूला को हम सदिश रूप में लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, s यहाँ विस्थापन है तो विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर नॉट, यही विस्थापन है, अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति, u प्रारंभिक वेग है, इसको हम लिख सकते हैं v नॉट इंटू टी, v नॉट लगाने का मतलब प्रारंभिक वेग, क्लियर, प्लस 1/2 त्वरण का सदिश रूप ये और t का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज, बहुत आतिशबाजी हो रही है आप लोग सुन रहे होंगे, रीजन तो आप समझ गए होंगे लेकिन मैं तो लगा हूँ पढ़ाने में है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं, तो आर टी को हम सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं, एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप माइनस, इसको अब इसके लिए लिखें तो हो जाएगा एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप इक्वल, इसको नॉट के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी एक्स नॉट आई कैप प्लस वी वाई नॉट जे कैप और बाहर मल्टीप्लाई होगा किसका, टाइम टी का, और प्लस 1/2 त्वरण को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे के बाहर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये आई कैप का इस आई कैप के साथ में पेयर जैसे भी करते आ रहे हैं और जे का जे के साथ में करते हैं, वैसी काम यहाँ पर भी। यहाँ पर आई कैप इसके पास है, आई कैप इसके पास है और जे यहाँ है, जे यहाँ पर है। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट करें तो दैट इम्प्लाइज क्या मिलेगा, ये काम तो आप बार बार कर चुके हैं, वही वही काम, इसको बोरिंग जैसा है, सेम काम वही अपन करते जा रहे हैं ना। तो चलिए करते हैं, एक्स टी माइनस एक्स जीरो ये हो जाएगा एक्स टी माइनस एक्स नॉट ब्रैकेट के बाहर आई कैप प्लस इसी प्रकार से जे के लिए वाई टी माइनस वाई नॉट और बाहर में जे कैप इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान देना आई कैप यहाँ है तो क्या बचेगा, टी के अंदर मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर वी एक्स नॉट इंटू टी, ये टी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस ये वन अपॉइंट टू और टी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में तो ए एक्स टी स्क्वेयर और बाहर आई कैप। यहाँ पर आप ध्यान देना टी का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये टी और यहाँ पर टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा साथ में हाफ का भी, आई कैप क्या हो गया बाहर हो गया और प्लस उसी प्रकार से अपन क्या लिखेंगे वी वाई नॉट प्लस वन अपॉइंट टू ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ पर भी टी मल्टीप्लाई होगा ना, टी मल्टीप्लाई होगा प्लस और ये टी स्क्वायर और ये हो जाएगा जे कैप। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई कैप जे कैप का दोनों साइड से तुलना करेंगे, ये मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये आई कैप का गुणांक है, यहाँ पर ये आई कैप का गुणांक है, ये जे कैप का गुणांक है और ये जे कैप का गुणांक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई कैप तथा जे कैप, आई कैप तथा जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, इधर से देखिए ये एक्स टी माइनस एक्स नॉट इक्वल यहाँ पर हो जाएगा वी एक्स नॉट इंटू टी प्लस वन पॉइंट टू ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर, मतलब एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और सिमिलरली वाई टी माइनस वाई नॉट इक्वल टू वी वाई नॉट इंटू टी प्लस वन पॉइंट टू ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। इस प्रकार से ये जो फार्मूला यहाँ पर निकला है, ये देखिए ये जो फार्मूला हमने निकाला है वो किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, और ये जो फार्मूला निकाला है वो किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए फार्मूला। मतलब देखिए आप इसको पहचान गए, एक्स अक्ष का विस्थापन बराबर एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एक्स इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, लेकिन ये सिर्फ एक्स अक्ष के लिए और ये सिर्फ वाई अक्ष के लिए। तो आपको टॉपिक का सेंस समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो ये फार्मूला होता था जो कि एक्चुअल में किसके लिए है, वन डायमेंशन के लिए है, ये वन डायमेंशन के लिए जो फार्मूला होता था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टू डायमेंशन के लिए, एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग। तो ये हमारे टॉपिक का मतलब है कि विस्थापन का सदिश वियोजन, कि हम उसको सदिश रूप में, दैट मीन्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए रूप में कैसे वियोजित कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, आज का जो मेरा कंटेंस है, उसमें कम्प्लीटली मैंने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हम कैसे वन डायमेंशन को टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है। समतल में गति का जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे वह इस चैप्टर का, वैसे मैं पूरे 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में शामिल है कहूँ तो सही बात होगा, क्योंकि उस टॉपिक का नाम है प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, और आप मैकेनिक्स को, यांत्रिकी को प्रोजेक्टाइल मोशन के बियॉन्ड, उससे बाहर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फील्ड कवर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको पहले से इसलिए बता दिया कि आप ये टॉपिक अच्छा से तैयार कीजिए तभी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर हम मिलते हैं किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, थैंक यू।